तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही सरल तरीके से, यानी घरेलू तरीके से, देसी तरीके से मान लीजिए, लौकी की पकौड़ी, और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलबट्टे पे हरा मिर्चा लिया है, जितना तीखा आप लोगों को खाना है। वैसे तो लौकी की पकौड़ी ज़्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने हरा मिर्चा कम इस्तेमाल किया है। साथ में 7-8 कली लहसुन के ले लिए हैं, जीरा ले लिया है। अब इसको हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो थोड़ा सा पीसने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए हमें नमक भी डाल दिया। नमक डालने से जो मिर्चा होगा सिलबट्टे पे चिपकता नहीं है, तो इसीलिए हम नमक डाल करके इसको पीस लेंगे। अब ऐसे पीसेंगे तो जो हरा मिर्चा होता है तो सिलबट्टे पे वो मतलब हो जाता है, चिपक जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है। और सिलबट्टे का चटनी भी बहुत बढ़िया होता है, तो मैं सोची हूँ सिलबट्टे पे ही इसके पीस करके बनाऊंगी। तो हमने लहसुन मिर्चा और जीरा का ये पेस्ट तैयार कर लिया सिलबट्टे पे। अब इधर हम चलते हैं, लेते हैं बेसन। तो बेसन जितने आप लोगों को बनाना है उस हिसाब से ही बेसन लेना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अंदाजन बेसन ले रही हूँ। तो ये अंदाजा हम मेरे ख्याल से 1.5 कटोरी बेसन है। अब इसके बाद इसमें पानी डालकर पहले अच्छे से इसको मिलाना है, तो हाथ से ही मिलाएंगे। और देखिए, मतलब इसमें जो बेसन में बिल्कुल भी लम्स ना हो, गुठलियाँ ना हो, बढ़िया सा इसको पेस्ट बना देंगे। तो आप लोग देखिए, बेसन को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको फेंटने के बाद फ्रेंड्स, अभी इतना गाढ़ा ही नहीं रहेगा, अब इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे। तो इसके लिए जो हमने पेस्ट तैयार किया था सिलबट्टे पे, इसको इसमें हम डाल देंगे। बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और देखिए, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर। और इसके बाद थोड़ा सा और अच्छा सा स्वाद लाने के लिए और डाइजेशन के लिए इसमें डाल देंगे हींग। 1 पिंच हींग हमने इसमें डाल दिया है। अब इन सबको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। नमक तो मैं पहले ही, आप लोग देखे थे ही, मैं पहले ही नमक इसमें डाल दी थी। तो इसमें नमक अब डालेंगे नहीं, क्योंकि जो लौकी की पकौड़ी होती है उसमें नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, तो ही जो लौकी की पकौड़ी बढ़िया होती है। तो इधर हमने देखिए बढ़िया सा पेस्ट इसको बनाकर तैयार कर लिया है। अब इधर हमने लौकी भी छील लिया है, और इस साइड तरह की लौकी होनी चाहिए, बहुत मोटी लौकी नहीं होनी चाहिए, पतली वाली लौकी होनी चाहिए जो नरम हो इस तरह से। तो देखिए, इसको मैं छील करके और पतले पतले पीस में काट लूँगी। बहुत पतला भी इसको नहीं काटना है, मतलब अपने हिसाब से मीडियम में ही थोड़ा सा पतला काट लेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं, सभी लौकियों को मैं काट करके रख ली। अब इसके बाद मैं चलती हूँ अब बनाने के लिए। अब पकौड़ी को तलने के लिए फ्रेंड्स, हमने तेल को गरम करके रखा हुआ है। यह है सरसों का तेल। सरसों के तेल में जो लौकी की पकौड़ी बहुत बढ़िया होती है। अब इधर हमने जो पेस्ट बना के रखा है, इसमें हम डिप करके और जो लौकी है इसको इसमें डालते जाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम आलू की भी पकौड़ी बना सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से आलू की भी पकौड़ी बन जाता है। तो देखिए, एक अगर डालते जाएंगे, और जो मतलब तेल है तो अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। उसके बाद जब गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, तब इसको अच्छे से सेकेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं, पकौड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं और फूल जा रही हैं, दोनों साइड से फूल जाएंगी। अगर जो गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो जल जाएंगी, फूलेंगे भी नहीं, तो स्वाद भी अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखिए इन पकौड़ियों को बना लिए हैं। तो इस कितना इस सरल है इसको बनाना, और इसका स्वाद कितना टेस्टी होता है। आप लोग इस ज़रूर इस तरह से जिस तरह हमने बनाया है, आप लोग ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा, और आप लोगों की भी पकौड़ियाँ ऐसे ही बहुत ही टेस्टी बनेंगी। उन को हम तलते जाएंगे। हमने गैस का फ्लेम अभी मीडियम ही रखा, हमने बिल्कुल भी हाई नहीं किया है। पहले मैंने हाई करके इसे गर्म कर लिया था, और इसके बाद मीडियम फ्लेम पे ही पकौड़ियों को हम तल रहे हैं। और बिल्कुल भी इसमें समय भी नहीं लगता है, लौकी की पकौड़ी बनाने में बहुत जल्दी ये बन के तैयार भी हो जाता है। तो इस पकौड़ियों को देखिए आप लोग, हम निकाल लेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही आसान सी रेसिपी हम वीडियो में लाते रहते हैं।
और अगर रेसिपी पसंद आ रही है थोड़ी सी भी तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए हमने ये लौकी की पकौड़ी गर्मा गर्म बन के तैयार हो गई है। आप लोगों को उम्मीद है ज़रूर पसंद आई होगी। अब तक हमारे वीडियो पे आप लोग बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।